माँ की ममता बड़ी अनंत होती है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, और धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माँ की ममता बड़ी अनंत है। लक्ष्मण तुम मैया का नाम कब से कहने लगे? लक्ष्मण कहने लगे, भैया जो माँ अपने पुत्र का वनवास कर दे वो कभी माँ नहीं हो सकती है। भगवान सुमंत्र जी से कहने लगे, ये सारी बातें मत बताना, आप बस इतना कह देना, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे और जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। सुमंत्र जी बस इतनी बातें कह देना, हम तीनों का प्रणाम कह देना और कह देना कि तुम्हारा आज्ञाकारी जो पुत्र है राम, जिस दिन 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस दिन पुनः अपने अयोध्या को आकर के माताओं के दर्शन करेगा। सुमंत्र जी कहने लगी ठीक है। और इधर भगवान इतना कहने के बाद में जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। बोली गंगा मैया की जय हो, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान गंगा मैया पर पहुंच गए, गंगा जी के घाट पर। अब जो सुमंत्र था नैया चलाता था, सुमंत्र का उस मल्लाह का काम क्या था, जो लोग जाते थे गंगा से पार होने के लिए इधर से बिठाता था उधर को लेकर के जाता था और उधर से बिठाता था इधर को लेकर आता था, इसी से उसका पूरा दिनचर्या उसका परिवार चलता था, इसकी रोजी रोटी यही थी। और जब भगवान सुमंत्र के घाट पर पहुंचे तो रामचित्तमानस में स्वामी जी एक चौपाई लिखते क्या है, मांगी नाव ना के पटियाना, मांगी नाव ना के घाट पर पहुंचे ना तो रामचित्त मानस में स्वामी जी दर्शाते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, और केवट कहता है प्रभु कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। इस चौपाई में चार भेद छुपे हुए हैं, सुनिएगा ध्यान से। आधी चौपाई का अर्थ पहले समझ लें आप लोग। केवट कहता है, स्वामी जी लिखते मांगी नाव ना केवट आना, भक्तों ध्यान से सुनेगा, आधी चौपाई का अर्थ पहले समझे। देखिए जहां पर बीच में ना शब्द लगा होता है वो दोनों तरफ बराबर काम करता है, और इसमें बीच में ना शब्द लगा हुआ कैसे, मांगी नाव ना केवट आना, जहां पर बीच में ना शब्द लगा होता वो दोनों तरफ बराबर काम करता है। अब आधी चौपाई के इस अर्थ, इस चौपाई आधी चौपाई से अर्थ ये स्पष्ट होता है, एक अर्थ ये निकलता है कि मांगी नाव, भगवान ने नैया को मांगा ना केवट आना, कई केवट नैया को लेकर के नहीं आया। पहला अर्थ क्या निकलता, मांगी नाव, भगवान ने नैया को मांगा परंतु ना केवट आना, केवट नैया को लेकर के नहीं आया। और दूसरा अर्थ क्या निकलता, मांगी नाव ना, भगवान ने नैया को नहीं मांगा परंतु केवट आना, केवट नैया को लेकर के आया। दो अर्थ निकलते हैं, नहीं समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए तो अभी समझ जाएंगे। एक गांव में एक पंडित जी पहुंच गए, और गांव में पंडित जी आ जाते तो माताएं हस्त रेखा सबसे पहले दिखाने लगती हैं कि पंडित जी आप मेरी रेखा देख लीजिए, लेकिन किसी भी पंडित जी को आप अपनी रेखा मत दिखाइएगा क्योंकि इसकी एक हस्त रेखा की किताब आती है, और फिर हस्त रेखा दिखा दो और पंडित जी कुछ बता दें कि आपके जीवन में ये घटना घटने वाली है तो आप लोग हमेशा परेशान फालतू के होंगे। वार माता जी, जैसे एक माता जी होती है पूरा मन वहीं लाग जा सबका। बोली सच्चे दरबार की जय हो। थोड़ी सी कथा सुन लो बस, और बाकी कथा तो पूरी हो ही नहीं सकती है, अभी झांकी आ जाएगी।
तो आप लोग मेन क्या है उद्देश्य आपका? कथा। थोड़ी सी कथा सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आगे का प्रोग्राम होगा। आज तो विराम दिवस है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग अर्थ समझिए कि इस अर्थ से, चौपाई से क्या अर्थ स्पष्ट होता है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ना शब्द लगा होता है वो दोनों तरफ बराबर काम करता है। जो सेठ जी थे, सेठ जी की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, और पंडित जी जब गांव में पहुंचे, अगर जिस माता जी की बहू गर्भवती होती तो माताएं तुरंत पंडित जी को बुला लेती हैं और कहती कि पंडित जी हमारे बहू का हाथ देख लो, लड़का होगा या लड़की होगी। सब कहती हैं, बता दो पंडित जी लड़का का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। अब जैसे पंडित जी उस गांव में पहुंचे, सेठ जी की जो सेठाइन थी वो गर्भवती थी, और ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। तो जो सेठ जी की माँ थी, सेठाइन की सास दौड़ते दौड़ते गए, कहे पंडित जी अरे जल्दी जरा मेरे आप घर चलिए और जरा मेरी बहू गर्भवती, इस समय बता दीजिए कि क्या होगा, पुत्री का जन्म होगा या पुत्र का जन्म होगा। ध्यान से सुनेगा, हम इस चीज बता रहे हैं कि बीच में जहाँ ना शब्द लगा होता है वो दोनों तरफ बराबर काम करता है। पंडित जी चल देते हैं, पंडित जी तो उधार खाए बैठे हैं, कोई बुलावे आवे दक्षिणा मिले। पंडित जी गए, सेठ जी ने स्वागत सत्कार किया, सुंदर बैठने के लिए आसन दिया। अब सेठ जी की जो माँ जी थी वो कहने लगी कि बहू को ले आओ भाई, हस्तरेखा दिखा दे, देखे हमारे घर कन्या का जन्म होगा या पुत्र का जन्म होगा। और पंडित जी जैसे यह बात सुने, पंडित जी सोचने का हम भगवान आ, हम कहा जाने लड़का हुई कि बिटिया हुई, मन में सोचने लगे। लेकिन कहीं अगर कह दिया भाई तब वे कहीं इनका मावत जात फिर का है, तुम पंडित फिर का है जब तुम यहाँ नहीं बता पाओ। माताएं कहने लगती ना, जब तुमका कुछ उतर जात नहीं है तो तुम का है पंडित। पंडित जी कहें चलो आवे दियो कुछ बताइए। तो ये पंडित जी की जो सेठाइन जी थी, सेठाइन जी आई बाहर और पंडित जी को हाथ जैसे सेठाइन पकड़ाई, तो पंडित जी सोचने लगे कुछ ऐसा बताई कि बाद में फंसी ना। तो पंडित जी ने क्या किया, बीच में ना शब्द लगा दिया। सज्जनों जहां पर ना शब्द लगा होता वो दोनों तरफ बराबर काम करता। पंडित जी ने क्या कहा, पुत्री ना पुत्रा, बीच में ना शब्द लगा दिया। अब पंडित जी सोचने लगे अगर पुत्री का जन्म हो जाएगा तब हम इनसे कह देंगे तुमसे पहले ही बताए थे पुत्री ना पुत्रा, पुत्री होगी पुत्र नहीं होगा। और अगर पुत्र का जन्म हो जाएगा तब हम इनसे कह देंगे तुमसे पहले ही बता करके गए थे पुत्री ना पुत्रा, पुत्री का जन्म नहीं होगा पुत्र का जन्म होगा। और पंडित जी सोची ने अगर कुछ ना हुई तो बता दे तुमसे पहले ने बताया रहन पुत्री ना पुत्रा, तीनों तरफ से बच जाएंगे। वैसे ही आधी चौपाई का अर्थ क्या है, एक अर्थ तो ये निकलता है मांगी नाव। भगवान ने नैया को मांगा परंतु ना केवट आना, केवट नैया को लेकर के नहीं आया। और दूसरा अर्थ मांगी नाव ना, भगवान ने नैया को नहीं मांगा केवट आना। और बाद में केवट कहता है कहा ये तुम्हार मरम माये जाना। अब भक्तों यहाँ पर विचार करने की बात है, केवट कहता प्रभु आप हमसे बचकर के आज जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैं आपके मरम को जानता हूँ। जबकि स्वामी जी लिखते हैं मरम न जान सकी महतारी लगी खिला